मणिपुर और त्रिपुरा के एक दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और अन्य प्रमुख विकास परक योजनाओं का भी शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति में जिस तरह से मातृभाषा को महत्व दिया गया है वह सही मायने में महात्मा गांधी की नई तालीम के विचार के अनुसार है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि 1937 में वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित नई तालीम में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले गगनयान मिशन के तहत दो पूर्व नियोजित मानव रहित उड़ानों में से पहले के प्रक्षेपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा, इस साल देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ से पहले पहला मानव रहित मिशन शुरू करने का निर्देश है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम से जुड़े सभी पक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यह सफलता सीमा सड़क संगठन के लिए एक शानदार उपलब्धि है क्योंकि इसके जरिए कड़ाके की सर्दी के मौसम में भी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच यातायात के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करेगा। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल राष्ट्र को समर्पित किया। इससे 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की उम्मीद है जो सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ACG को नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है।